हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 11 मई तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? यूएई ने की है, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट आपका, किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? कोविशील्ड वैक्सीन। नेक्स्ट है आपका, IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपिड मिसाइल की विशेषता कौन सी है? यह हवा से सतह वार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है आपका, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बने हैं कृष्णा एल्ला। नेक्स्ट है आपका, टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान है एमेरिट्स। नेक्स्ट है आपका, IQAir के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू। भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरणी परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका के। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो 3 लोग हैं, सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकू हेमा कुमारी और नीरू यादव। नेक्स्ट आपका, अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका, DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। फ्रेंड्स, वीडियो संबंधी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, @justdoitr सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय महिला लीग 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? झारखंड में। नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष कौन बने? कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट आपका, चीन के चंद्र मिशन Chang'e 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUBEQ का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से है। नेक्स्ट आपका, 86वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन है? भारत है। नेक्स्ट आपका, DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? दुर्गा सेकंड का। नेक्स्ट आपका, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? इजराइल और फिलिस्तीन। आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन का खिताब किसको मिला है? वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट आपका, किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सस्काम घाटी कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। अमूल T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? ऑफिशियल स्पॉन्सर दक्षिण अफ्रीका, USA और भी हाल ही में श्रीलंका का भी बन गया है। NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। नेक्स्ट है आपका, 8 ट्रिलियन रुपये से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ICICI बैंक ने। #PlayTrue अभियान इसको चलाया है नाडा ने, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने। नेक्स्ट आपका, यूनिसेफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया करीना कपूर को। वर्ष 2024 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किए हैं? RBI ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 159। यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 मिला है फिलिस्तीन को। दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सीस को लॉन्च किया है यूक्रेन ने। पहला स्वदेशी बर्फ वर्षक मानव रहित विमान FWT-200B का अनावरण किया है बंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट आपका, GST अपलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? संजय कुमार मिश्रा। अजरक वस्त्रकला इसको JTAG दिया गया, कहाँ का है? गुजरात का है। केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? जवागल श्रीनाथ को। महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा? यह आयोजित होगा बांग्लादेश में। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाई पल्स कंपनी ने। नेक्स्ट आपका, कांस 2024 में मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड यह सम्मानित किया गया है मेरिल स्टीप को। नेक्स्ट आपका, फुजियान विमानवाहक पोत इसका समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है किस देश ने? चीन ने। नए COVID-19 वेरिएंट इसका दस्तक कहाँ इसने दी है? USA में। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आपका, पुरुष महिला दोनों वर्गों में थॉमस कप और रूवेर कप का विजेता कौन है? चीन है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 मिला है भाभी मेहता को। नेक्स्ट आपका, देश ने पहली बार
मुफ्त योग कक्षा किस देश ने स्टार्ट की है? किस देश ने? तो पाकिस्तान ने मुफ्त योग कक्षा स्टार्ट की है। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। रूस के नए राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन, छठी बार नहीं, 6 साल के लिए बने हैं। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया है नेपाल ने। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है बजाज ऑटो ने। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी? बोइंग कंपनी के सहयोग से। नेक्स्ट आपका मैरिड ओपन 2024 महिला का खिताब जीता है इगा सोटेक ने। माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला पिच चिप कौन सा है? सिक्योर IoT है। पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है, कहाँ पर? सर्बिया में। VRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है 7 मई 2024 को। स्कूल ऑन व्हील्स पहले स्टार्ट किया गया मणिपुर में। बैटी लिप्स चंद्रयाड़ी जिसका नामकरण चंद्र 3rd के नाम पर किया गया है या क्या है? यह समुद्री टारी ग्रेड है। नेक्स्ट अब गगन स्ट्राइक सेकंड इसको आयोजित किया गया पंजाब में। पुलित्जर पुरस्कार 2024 इसका किसको मिला? न्यूयॉर्क टाइम्स को। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किया है श्रीलंका ने। इसरो को मिला है इसरो ने भी हाल ही में सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बंडल इग्निशन का परीक्षण किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अप का विश्व थैलेसीमिया दिवस ये मनाया गया 8 मई को। वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी हुआ? केरल में। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का विजेताओं ने मुंबई सिटी FC इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ किए? ICICI बैंक ने। Formula 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स का विजेता है लैंडो नॉरिस इंग्लैंड का और यह पहली बार इसके विजेता बने हैं। नेक्स्ट है आपका चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर डोर MQ-9B इसको तैनात किया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेशर में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत देश। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के खिलाफ हिंसा को निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? यूरोपियन संघ ने। AI के लिए ISO 42001:2023 प्रमाण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी है इन्फोसिस कंपनी। नेक्स्ट है आपका किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट आपका वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर 3रा स्थान मिला है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं जॉन सिवनी। ऑपरेशन बॉबी बकेट इसको वायुसेना ने चलाया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का पहला संस्करण यह आयोजित इसका जो स्पॉन्सर है वो कौन है? इसका स्पॉन्सर है कोका कोला इंडिया। फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लॉज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? इसका नाम है ससम। नेक्स्ट आपका कृषिकल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया है बंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमर्थ इसको प्रारंभ किया आइसलैंड ने। नेशनल का वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किया UAE में। भारत और फ्रांस के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति हुआ है कहाँ पर? मेघालय में प्रारंभ। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा मतलब कब मनाया जाता है? 25 मई को पहली बार मनाया जाएगा 25 मई को। नेक्स्ट आपका भारत ने भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है लद्दाख में। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो इस पहल यह पोर्टल इसका नाम है CPGRAMS पोर्टल। दक्षिण एशिया में म्यांमार के बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? म्यांमार के बाद तो सबसे ज़्यादा गिरावट म्यांमार में हुई है और म्यांमार के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक जनसंख्या में गिरावट हुई। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।